देखिए, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा के, जो कि सेट थ्योरी है। सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको जो गिवन सेट है इसमें कौन कौन से सेट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है, या नल सेट या वॉइड सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट कंजिस्ट ना कर रहा हो। तो आए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे सेट होंगे जिसके आउटपुट को अगर हम देखें तो उसमें कोई भी एलिमेंट पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे जितने भी इवन नेचुरल नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है, तो ऐसे कई सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लाइक 5 है, 10 है, सॉरी इवन बोला है तो 10 है, 20 है, 30 है, तो ऐसे बहुत से पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हमें एम्प्टी सेट बोला है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, अभी हमने बताया, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, कोई भी एलिमेंट ना हो उसका आउटपुट 5 हो, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो नो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हम जानते हैं 2, 3, 5। तो यहाँ पे ये सारे इसके आउटकम्स आएंगे, एलिमेंट्स होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट नहीं होगा। थर्ड है एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स को डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट 2। और रूट 2 हम जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि रूट 2 ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही तो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे बोला है x इज अ रैशनल नंबर, तो ये जो इसका सॉल्यूशन है वो एक रैशनल होना चाहिए, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं इरेशनल है। तो इस सेट का अगर हम आउटपुट की बात करें तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट होगा। फिर नेक्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर हो, x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा नहीं जो 8 से छोटा भी होगा और 12 से बड़ा भी होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट होगा। अगला एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हम जानते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे ना कर रहा हो, तो ये भी हम कहेंगे कि एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट, कह रहा है यहाँ पे कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन, कंसेंट्रिक सर्कल एक पॉइंट से हम कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, हम जानते हैं ए से लेके जेड तक होता है तो फाइनाइट है, तो एक ऐसा सेट जिसकी काउंटिंग फाइनाइट हो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, और एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट की काउंटिंग इनफाइनाइट हो तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 5 से बड़ी वैल्यू, 5 से बड़ी वैल्यू नेचुरल नंबर में 6 है, 7 है, 8 है, कोई लिमिट दिया नहीं है, रेंज नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं ये इनफाइनाइट है। x इज अ नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 200 से छोटी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर हम जानते हैं 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होता है, तो 200 से छोटी होनी चाहिए, तो 200 से लेके 199 1 तक फाइनाइट है। नेक्स्ट है x एक इंटीजर है और x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, तो 4, 3, 2, 1, 0 माइनस में भी कितना चला जाएगा, कोई रेंज दिया नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है ये जो सेट गिवन है इसमें कौन कौन से सेट इक्वल सेट होंगे। इक्वल सेट क्या होता है कि ऐसे दो सेट जिसमें हर एक एलिमेंट सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, वो इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट मीन्स कि जो एलिमेंट है किसी एक सेट में दूसरे सेट में भी वही एलिमेंट होने चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेम ऑफ द टू सेट। तो हमें पता करना है कौन कौन से इक्वल सेट है। तो ए आपका क्लियरली डिफाइंड है, 1, 2, 3 इसकी वैल्यू है। बी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट जो है रियल होगा, इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ये वन यहाँ पे बन जाएगा माइनस वन और माइनस वन, इसके साइन को चेंज कर दीजिए तो इसके रूट आ जाएंगे वन और वन। ये शॉर्ट ट्रिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस वन इसके साइन को चेंज कर दीजिए अपॉन ए, ए क्या है वन, वन वन ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है सी, यहाँ क्लियरली डिफाइंड है वन टू टू थ्री, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, वन टू थ्री ही होगा, क्योंकि हम बता रहे थे कि सेट में कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट है तो उसको हम सिंगल ही कंसीडर करते हैं, यूनिक वैल्यू देता है। लास्ट है आपका ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तो देखें, यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे वन रखें एक्स की जगह, तो वन माइनस सिक्स माइनस फाइव प्लस एलेवन, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसका एक रूट तो हमें पता चल गया कि वन होगा, बाकी रूट कैसे निकालेंगे तो एक मेथड बता रहे हैं। देखिए वन, अब सबके कोफिशियंट को लिख दीजिए, एक्स क्यूब का वन, एक्स स्क्वायर का माइनस सिक्स, एक्स का एलेवन और एक्स की पावर जीरो का माइनस सिक्स। फर्स्ट वैल्यू आपको ड्रैग करके नीचे एज इट इज लिखना है, देन वन इंटू वन, वन माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, एलेवन माइनस फाइव सिक्स, सिक्स इंटू वन सिक्स, माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो। ये लास्ट वैल्यू हमेशा जीरो आनी चाहिए। ये क्या मिल गया हमें, एक अगर वन है अगर इसका एक वैल्यू, तो एक्स माइनस वन ऑब्वियसली उसका एक पार्ट होगा, ठीक है, फ्रैक्शन का। अब देखिए बाकी क्या बनेगा, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे कोफिशियंट वन है, तो वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो यहाँ से हमें मिल गया एक वैल्यू वन। अब यहाँ से क्या मिलेगा, सिक्स है तो माइनस टू इंटू माइनस थ्री, तो माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस टू माइनस थ्री, इसके साइन को चेंज कर दिए अपॉन ए का कोफिशियंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो वन वन, ये क्या मिल जाएगा टू और थ्री, तो इसको कंबाइन कर दें तो वन टू थ्री। अब देखिए वन टू थ्री और किसका रिजल्ट आ रहा है, ए का, तो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू डी। सी का भी आ रहा है वन टू थ्री, तो इक्वल्स टू सी। बी का रिजल्ट वन कॉमा वन है, तो ए सी और डी आपस में इक्वल होंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ में क्या बोला है, आर दे इक्वल, ये जो सेट्स है क्या आपस में इक्वल हैं। देखें एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड रीप, क्या क्या बनेगा, जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो आप लिख दीजिए। तो एक तो आपको आर दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। पेपर, पेपर में पी है, ए है, ई है, आर है, पी ए ई और आर। फिर थर्ड है रोप, रोप में क्या क्या है स्टूडेंट, आर ओ पी ई। तो ये तीनों अगर आपस में पूछा गया है कि इक्वल है, तो देखिए इसमें ओ नहीं है, आर ई ए पी, आर ई ए पी, ए और बी तो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पूछा है क्या तीनों इक्वल है, तो हम कहेंगे नो। हाँ बट अगर ये पूछा होता है इनमें से कौन कौन से इक्वल हैं, तो हम लिखते ए इक्वल्स टू बी है, क्योंकि आर ई ए पी, आर ई ए पी यहाँ दोनों में दिख रहा है। चल फिर इक्विवेलेंट सेट पूछा है कि आपस में कौन कौन से सेट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब जिसमें कार्डिनलिटी हर एक सेट का इक्वल हो, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, ना कि एलिमेंट्स ही आपस में सेम हो। अगर वो सेम है दैट मीन्स कि वो इक्वल है, और अगर कार्डिनलिटी सिर्फ सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या है, थ्री है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एलिमेंट हैं, यहाँ पे थ्री एलिमेंट हैं, यहाँ पे फाइव एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए और सी आपस में इक्विवेलेंट है, बी और डी आपस में इक्विवेलेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि क्या ये ए और बी आपस में इक्वल सेट हैं। तो देखें, ए तो यहाँ सॉल्व करके लिस्ट किया हुआ है 2 और 3 रोस्टर फॉर्म में। बी को अगर हम सॉल्व करते हैं, एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन है एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 = 0। इसके रूट्स को फाइंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 1 × 6, 6 का आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो 2x + 3x में इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक्स कॉमन ले लीजिए, x + 2, 3 कॉमन ले लीजिए, x + 2 = 0, x + 3 = 0, एक्स की वैल्यू आ गई -2 -3। यहाँ पे 2 और 3, तो क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो नो। इसी को शॉर्ट ट्रिक से जो हमने आपको बताया था कैसे करेंगे, यहाँ पे -2 × -3 हमें पता चल गया, तो लिख लीजिए -2 और -3। इसके साइन को चेंज करना है, इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्ट कीजिए, अपॉन ए, तो अपॉन, सॉरी यहाँ पे 5 है, तो 2 × 3 = 6, तो 2 और 3, इसके साइन को इन्वर्ट कीजिए तो माइनस माइनस आ गया, अपॉन ए, तो अपॉन -2 -3। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, इसका क्या आएगा, डिफरेंट लेटर लिखिए, WOLF, इसमें F है, O है, L है और W है, तो WOLF, WOLF सेम है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें इक्वल और इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से ये फाइंड करना है। तो देखिए, ए है 0 और 1, 0 और 1 किसी और का एलिमेंट है, ई सेट का दिख रहा है और किसी का नहीं, तो ए इक्वल्स टू ई हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कहीं है 1 2 3 4, नहीं है, तो डी डी के इक्वल हो गया। सी है 4 8 12, 4 8 12 है कहीं, 4 8 12, 4 8 12, तो सी एफ के इक्वल हो गया। उसके बाद 1 5 7 11, ए और बी, और कोई इक्वल नहीं है, तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए, दो दो और किसी के हैं क्या, ई के हैं और एच के हैं, ए ई और एच आपस में इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे 4 हैं, 4 और किसी के हैं, डी डी में भी 4 एलिमेंट हैं, जी में भी 4 एलिमेंट हैं, तो ये आपस में इक्विवेलेंट हो गए। फिर सी में 3 एलिमेंट हैं, और कहीं 3 हैं, एफ में, तो सी और एफ आपस में इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है कौन कौन से सेट इक्वल सेट हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखें, इसमें हम सबको सॉल्व करते हैं और सबके एलिमेंट्स लिखते हैं। एक्स एक्स क्या है, एक सेट है जो कंजिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर और 3 से छोटा। 3 से छोटा कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 1 और 2। बी ऑलरेडी सॉल्व है 1 और 2, तो यहाँ तो हमें क्लियरली दिख गया ए और बी इक्वल हैं। 3 और 1, तो ये ए और बी के इक्वल नहीं है। एक्स नेचुरल नंबर है, ऑड है और 5 से छोटा है, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं 5 से छोटा, 1 और 3। तो 3 और 1 यहाँ भी था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी और डी इक्वल हो गए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 रिपीट है, ओवरऑल इसको हम 1 और 2 लिख सकते हैं, यानी कि ए बी के इक्वल ई भी हो गया। फिर 1 और 3 इसको हम लिख सकते हैं, तो ये सेम है, तो ये इक्वल्स टू एफ बी हो गया, तो ये हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट।
अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटैक एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक. इसमें कौन कौन से लेटर है पहले वाले को सॉल्व करें तो इक्वल प्रूव करना है. सी है, ए है, टी है, आर है, सी और टी अगेन रिपीटेड है. अब ट्रैक को देखें, टी है, आर है, ए है, सी है, सी ए टी आर, सी ए टी आर, तो दोनों इक्वल हैं. लिख दीजिएगा स्टूडेंट, दैट्स वाई दीज टू सेट्स आर इक्वल. प्रूफ हो गया हमारा.